ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने शनिवार को बतौर पीएम अपना कार्यभार संभाल लिया। अपने कार्यकाल के पहले ही दिन उन्होंने पूर्ववर्ती ऋषि सुनक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रवांडा बल को बंद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है और इसे दफन कर दिया गया है। ऐसे में इस योजना की चर्चा क्यों है और बंद करने की वजह क्यों है, तो चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ब्रिटेन में अवैध अप्रवासियों का आगमन एक बड़ी समस्या है और आम चुनाव के दौरान भी यह एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सुनक सरकार ने रवांडा योजना पेश की थी। बता दें कि साल 2022 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन और रवांडा के बीच 5 वर्षीय समझौता किया था। इस समझौते का मकसद असुरक्षित और अनधिकृत रास्तों से ब्रिटेन में हो रहे अवैध अप्रवासन को रोकना था, खासकर उस अप्रवासन को रोकना जो छोटी नाव के जरिए इंग्लिश चैनल यानी समुद्री मार्ग के रास्ते होते हुए गैरकानूनी तरीके से ब्रिटेन में घुसने के लिए अधिकृत जोखिम वाले रास्तों का सहारा लेते थे और इससे कई बार मौतें भी उनकी होती थी और इस क्षेत्र में मानव तस्करी को भी बढ़ावा मिलता था। यही वजह है कि रवांडा प्लान के तहत ब्रिटेन में गैरकानूनी तरीके से आ चुके लोगों को प्रवासन की प्रक्रिया के तहत शरण देने और कुछ को रवांडा वापस भेजने की योजना थी। रवांडा ने शुरुआती 5 साल तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हर साल 1,000 शरणार्थियों को लेने पर सहमति दी थी। हालांकि मानवाधिकार समूह और वकीलों ने इस योजना का विरोध किया और इसे अदालत में चुनौती दी। रिफॉलमेंट सिद्धांत के उल्लंघन पर चिंता जताई। नॉन रिफॉलमेंट सिद्धांत के मुताबिक अगर कोई नागरिक किसी देश में शरण मांगता है तो फिर उसे और शरण देने वाले देश के बीच एक तरह अनुबंध हो जाता है कि उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उस देश में वापस नहीं भेजा जाएगा जहाँ से वो आया है और जहाँ जाति, धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता, किसी खास सामाजिक समूह का सदस्य होना या किसी राजनीतिक मत की वजह से उसकी जिंदगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा है। मानवाधिकार को लेकर रवांडा का जितना घटिया रिकॉर्ड है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में शरण मांगने वालों को तीसरे देश के तौर पर भी रवांडा में पुनर्वास करना सही नहीं होगा। कोर्ट के इस फैसले को नाकाम करने के लिए सुनक सरकार ने अपनी स्टॉप द बोट मुहिम के लिए बिल पेश किया। सरकार ने रवांडा सुरक्षा यानी शरण और अप्रवासन विधेयक पेश करके तीसरे देश के तौर पर रवांडा को शरणार्थियों के लिए सुरक्षित देश घोषित कर दिया। जनवरी 2024 में इस विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहले दौरे की मंजूरी मिल चुकी। खैर, कीर स्टार्मर ने अपने दिन की शुरुआत कैबिनेट की बैठक के साथ की और अपनी सरकार की वित्त मंत्री रसेल रीव्स और नए विदेश मंत्री डेविड लेमी के साथ बैठक की। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कीर स्टार्मर ने रवांडा बिल योजना को बंद करने का ऐलान किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।